80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है, कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो खबरें हैं निराधार हैं, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से